जय माता दी एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज, आज है संडे और आज है माता रानी का छठा नवरात्रा। तो आप सभी को माता रानी के नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो गाइज, जैसा कि आप लोगों को पता ही है, संडे को मेरे जो मॉर्निंग के काम होते हैं वो थोड़ा लेट ही होते हैं, क्योंकि घर में सभी संडे को थोड़ा लेट उठते हैं। तो इसीलिए मेरे जो मॉर्निंग के काम है वो मैं थोड़ा लेट करती हूँ। और यहाँ पर मेरे घर की क्लीनिंग वगैरह तो हो चुकी थी, बाकी थी बस किचन की क्लीनिंग। और किचन की क्लीनिंग पूरी करने के बाद मैं बना लूंगी चाय, और चाय बनाने के साथ साथ ही मैं गूंद का रख दूंगी आटा, जिससे कि जब सभी सोकर उठेंगे तो मैं सभी के लिए नाश्ता रेडी कर दूंगी। यहाँ पर चाय मैं बनाने लगी हूँ अपने लिए, और अपने लिए चाय रेडी करने के बाद मैं थोड़ा बैठूंगी, रेस्ट करूंगी, चाय पीऊंगी और फिर मैं करूंगी अपने बाकी के काम। अभी मम्मी जी भी गए हैं नहाने के लिए, मम्मी जी नहा कर आएंगे, फिर मम्मी जी करेंगी पूजा और उसके बाद मम्मी जी करती हैं नाश्ता। तो यहाँ पर मैं आटा भी गूंद लूंगी चाय बनाने के साथ साथ ही। चाय मेरी रेडी हो गई है, मम्मी जी गई हैं नहाने के लिए, मेरा क्लीनिंग वगैरह का काम सारा पूरा हो चुका है। अब मैं पीऊँगी आराम से बैठकर चाय और फिर मैं बनाऊँगी रोटियाँ, क्योंकि अभी तक पापा जी भी नहाकर नहीं आए हैं। जब पापा जी नहाकर आ जाएंगे तब मैं बनाऊँगी रोटियाँ, बाकी सब अभी सोए हुए हैं। जब सब उठेंगे तब सभी के लिए मैं पराठे या रोटियाँ जो भी जऊ बोलेगा मैं उसके लिए वो बनाऊँगी। अभी फ़िलहाल मैं पी लेती हूँ चाय। तो गाइज़ आप भी पी लीजिए मॉर्निंग की टी। तो चलिए गाइस, मैं चलती हूँ रूम में। तो गाइस, मैं आई थी रूम में चाय पीने के लिए और मैंने चाय पी भी ली, और जब तक मैं चाय पीना उतनी ही देर में ध्रुव भी उठ चुका है। तो ध्रुव, यहाँ पर ध्रुव उठ चुका है, और ध्रुव ना उठते के साथ ही एक क्वेश्चन पूछा है मुझसे, वो ध्रुव ही आपको बताएगा। ध्रुव क्या पूछा था? ध्रुव ने पूछा है कि आज मेरा स्पाइडरमैन का जाला आ जाएगा, क्योंकि ध्रुव ने ना मुझसे ऑनलाइन बुक कराया है स्पाइडरमैन का जाला, क्योंकि इसने ना फ़ोन में कोई वीडियो देखी थी कि स्पाइडरमैन का जाला होता है जो ये कुछ भी सामान ला सकता है अपने पास। तो इसने मुझे बोला कि मम्मा मुझे यही चाहिए, तो मैंने इसे दिखाया और बोला कि ठीक है मैं ये बुक कर देती हूँ। तो कल से ना मुझे ये यही सवाल पूछे जा रहा है कि कब आएगा कब आएगा। वैसे ही इसने उठते के साथ ही ना मुझसे यही क्वेश्चन किया कि मम्मी मेरा स्पाइडरमैन का जाला कब आएगा। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ध्रुव का उठते के साथ ही क्या क्वेश्चन है। उसे ना तो भूख लगी है ना प्यास लगी है, उसका बस उठते के साथ ही एक ही क्वेश्चन था, मम्मी मेरा स्पाइडरमैन का जाला आ गया क्या। तो मैंने इसे बोला कि आज आ जाएगा, तो देखते हैं आज इसका स्पाइडरमैन का जाला आता है या नहीं। तो ध्रुव को जब इसका स्पाइडरमैन का जाला मिलेगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी ध्रुव कितना खुश होता है ना। ध्रुव आओ तो सही एक बार ही, तो ये है मेरा ध्रुव, कितना खुश होएगा ध्रुव, बहुत अच्छा बच्चा बन गया ना ध्रुव। ध्रुव ना बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है ना ध्रुव, ये बहुत प्यारा बच्चा बनता जा रहा है, मम्मा का बेटा। पारा पारा क्या क्या चाहिए था, और क्या चाहिए था, बस स्पाइडरमैन का जाला चाहिए था। क्या करेगा स्पाइडरमैन के जाल, स्पाइडरमैन का जाला, स्पाइडरमैन का कपड़े। अच्छा अब स्पाइडरमैन के कपड़े भी चाहिए ध्रुव को, है ना। तो आपने कल ही बुक कर दिए। हाँ मैंने तो स्पाइडरमैन का जाला बुक किया था। ध्रुव मुझे बोल रहा था कि मुझे स्पाइडरमैन के कपड़े भी चाहिए, स्पाइडरमैन का जाला भी चाहिए। तो मैंने स्पाइडरमैन का जाला ही बुक किया था, कपड़े बुक नहीं किए थे। और ये सोच रहा है इसके कपड़े भी बुक हो चुके हैं, तो पहले मैं स्पाइडरमैन का जाला देखती हूँ वो कैसा आता है, कभी मुझे एक्सचेंज ना कराना पड़े, क्योंकि बच्चा है, बच्चे की कभी कभी जिद पूरी करनी पड़ती है। लेकिन वो जो चीज़ दिखाई जा रही है वो चीज़ आएगी या नहीं वो मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी। अभी फ़िलहाल यहाँ पर ध्रुव कर रहा है वेट उसके स्पाइडरमैन के जाले का, है ना ध्रुव। और आज है संडे और ध्रुव की छुट्टी है ना ध्रुव। ध्रुव की तो वैसे कल भी छुट्टी थी, क्योंकि कल था सेकंड सैटरडे, तो ध्रुव का कल भी छुट्टी थी और आज भी छुट्टी है, और कल ध्रुव को जाना है स्कूल। तो चलिए गाइस, मैं ध्रुव को नहला कर कराती हूँ नाश्ता, फिर मैं आप लोगों से फ्री होकर मिलती हूँ। तो ध्रुव बाय करो। बाय। आप लोगों ने देखा ही, मैं गई थी चाय पीने, इतने ही देर में ध्रुव भी उठ चुका था, तो मैंने ध्रुव से थोड़ी सी बातें की, और उस बीच में ही मम्मी जी भी आ चुकी हैं नहाकर, और मम्मी जी करने लगी हैं यहाँ पर पूजा। और मम्मी जी पहले घर में पूजा करेंगी और फिर जाएंगी मम्मी जी हमारे घर के पास में ही जो मंदिर है वहाँ पर पूजा करने के लिए। तो मम्मी जी पूरे 9 नवरात्रे जाती हैं हमारे घर के पास जो मंदिर है वहाँ पर पूजा करने के लिए। Thank you.
तो गाइज अब हो चुका था लंच टाइम और यहाँ पर मैं रेडी करने लगी थी अपना लंच, क्योंकि आज दीदी भी घर आने वाली हैं। तो मैंने सोचा मैं कुछ अच्छा सा लंच बनाती हूँ जिससे कि लंच दीदी और नितिन जी दोनों को ही अच्छा लगे। तो मैं लंच में बनाने वाली हूँ मटर पनीर, रायता, चावल और पूरियाँ। सबसे पहले मैं अपनी सब्जी और रायता रेडी करूंगी और फिर मैं बनाऊंगी चावल और पूरियाँ, क्योंकि चावल और पूरियाँ दोनों ही गर्मा गर्म अच्छी लगती हैं। तो इसीलिए मैं सबसे पहले बनाने लगी थी अपनी सब्जी। और सब्जी तो मैंने आप लोगों को बता ही दी है, मैं बनाने वाली हूँ मटर पनीर। आप लोगों को अगर मेरी फुल रेसिपी चाहिए हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आप लोगों के साथ मटर पनीर की पूरी फुल रेसिपी शेयर करने की पूरी कोशिश करूंगी। और साथ ही मैं बना रही हूँ बूंदी का रायता, क्योंकि बूंदी का रायता बहुत अच्छा लगता है और गर्मियां स्टार्ट हो चुकी हैं, तो गर्मियों में रायता अगर लंच या डिनर के साथ हो तो और भी टेस्ट अच्छा हो जाता है लंच और डिनर का। तो इसीलिए मैं साथ में रायता भी बना रही हूँ, चावल और पूरियां दोनों में बनाऊंगी बाद में। तो यहाँ पर मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रही हूँ जिससे कि मेरा जो लंच है वो टाइम से बन जाए। तो यहाँ पर आप लोग देख ही रहे हो मेरी एक साथ दो दो काम स्टार्ट हो चुके हैं और यहाँ पर मेरा जो मसाला है सब्जी का वो रेडी हो चुका है। और अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा पानी और फिर डालूंगी अपना पनीर। तो आप लोगों को जैसा कि मैंने बोला ही, अगर आप लोगों को फुल रेसिपी चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आप लोगों के साथ फुल रेसिपी शेयर करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो गाइज आज दीदी घर आने वाली हैं, तो दीदी के घर आने से पहले ही मैंने उनके लिए कर दिया है लंच रेडी। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी मैंने दीदी के लिए क्या क्या लंच रेडी किया है। उससे पहले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ हमारी शादी की छोटी सी एक वीडियो। ये वीडियो है हमारी शादी की जो कि पापा जी इस टाइम देख रहे थे। अभी पापा जी गए हैं नीचे क्योंकि दीदी आने ही वाली हैं, और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मैंने दीदी के लिए क्या क्या लंच रेडी किया है। तो मैं बैक कैमरे से आप लोगों को दिखाऊंगी मैंने दीदी के लिए क्या लंच रेडी किया है। तो गाइज इसमें रेडी किया है मैंने मटर पनीर, तो मैं आप लोगों को ओपन करके दिखाती हूँ। ये है हमारा मटर पनीर और साथ ही में मैंने बना दिया है रायता। तो ये है हमारा रायता, बूंदी का मैंने रायता बनाया है और इसके अंदर बना दिए हैं मैंने चावल जो कि है मटर और पनीर के। बाकी है बस हमारी पूरियां बनाना, तो पूरियां मैं बनाऊंगी गर्मा गर्म। जैसे ही दीदी आएंगी उनको मैं पहले नाश्ता भिजवाऊंगी, फिर उसके बाद बना दूंगी मैं उनके लिए पूरियां जो कि वो लंच में गर्मा गर्म खा पाएँ। तो गाइस मैंने आप लोगों को दिखा ही दिया है मैंने लंच में क्या क्या रेडी किया है, और ये व्लॉग मैंने आज मॉर्निंग से ही स्टार्ट किया था और अब बज चुके हैं दिन के 2:30 यानी कि 2:30 बज चुके हैं और अभी तक मेरे लंच का काम भी नहीं पूरा हो पाया है, क्योंकि मुझे लंच में 2-3 चीज़ें बनानी थी तो इसीलिए मुझे थोड़ा टाइम लग गया। और आज संडे है तो संडे को तो आप लोगों को पता ही है सारे काम थोड़ा लेट लेट होते हैं, और नाश्ता वगैरह भी लेट हुआ। और फिर दीदी ने बोला कि दीदी भी आ रही हैं, तो फिर मैंने सभी को बोला कि सभी के लिए मैं अच्छा सा लंच रेडी करती हूँ जो सभी को अच्छा लगे और दीदी को भी अच्छा लगे। तो मैंने लंच रेडी कर दिया है सभी के लिए, तो सभी लंच करेंगे जैसे ही दीदी आ जाएगी वैसे ही। तो चलिए मैं दीदी का इंतज़ार करती हूँ, जैसे दीदी आएंगी मैं आप लोगों को दीदी से भी मिलवाऊंगी। तो गाइज फाइनली दीदी आ चुकी हैं घर हमारी छोटी बाबू को लेकर, और ध्रुव बहुत ज्यादा ही खुश हो चुका है अपनी छोटी बहन को देखकर, क्योंकि ध्रुव का और उसकी बहन का कुछ अलग सा ही रिश्ता है जो कि ध्रुव अपनी बहन को देखने के बाद ना बहुत ज्यादा ही खुश हो जाता है और बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी हो जाता है कि उसकी बहन आ चुकी है उसके पास। चुन्नू तो आज फिर आ रहा था आपके घर वो तो मैंने नहीं भेजा, मैं जाऊंगा आज फिर से बुई के घर। तो कुछ नहीं, पौधों में पानी डालना, गाने लगाते तो तेज आवाज में। वो वाली सीन देखा था, अरे यार कितने दिनों बाद आया बुई के घर इतनी हंसी आती है उस डायलॉग का सुन के। पूछता हूँ बुई ने मेरे लिए कुछ मंगाया है क्या? मैं वही तो कह रही, मैं ना घर में कोई नहीं, इसका डायलॉग चल रहे हैं, अरे यार कितने दिनों बाद आया हूँ बुई के घर। चंदा का कचुम्बर निकाल दिया सही। चुन्नू की है बस और किसी की नहीं है ना। चुन्नू फेस मिला, चुन्नू फेस मिला, जरा दिखाइए दोनों का फेस, यार दोनों का फेस देखो, कोई चुन्नू का इसको फेस मिलता। ओए चंदा तू भी दिखा ले लूं, ओए देख बिल्कुल तेरे जैसी है तो भाई। अरे मैं अरे नहीं, चावल उतना करियो, चावल भाई
बता देने से तो यहीं तो रहती थी। अरे लड़की का तो गाइज आप लोगों ने देखा ही, हम लोग सभी एक साथ मिलकर कितना ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। और आप लोगों का जैसा कि मैंने बोला ही था, मैं चावल और पूरियां बाद में ही बनाऊंगी, तो यहाँ पर मैं चावल रेडी कर चुकी हूँ और अब मैं बनाने लगी हूँ गर्मा गर्म पूरियां। और सभी को मैं दूंगी लंच, और लंच का टाइम हो ही चुका है क्योंकि जब तक दीदी घर आई तब तक 3 बज चुके थे, तो आप लोग मान ही सकते हो 3:30 या 4 का टाइम हो ही चुका था। तो मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी लंच भी रेडी कर रही हूँ और दीदी से बातें भी कर रही हूँ, क्योंकि होता है ना जब हम लोग सामने मिलते हैं तभी हम लोग बहुत सारी बातें कर पाते हैं जो फोन पर नहीं हो पाती हैं। तो मैं और दीदी बातें भी कर रहे हैं और साथ में ही मैं बना रही हूँ पूरियां, और अब मैं लंच भी भिजवाऊंगी नितिन जी और पापा जी के लिए, और फिर हम लोग लंच करेंगे एक साथ मिलकर। तो गाइज हम सभी ने लंच किया, और लंच के बाद यहाँ पर मैं करने लगी हूँ अपने बर्तन क्लीन, क्योंकि लंच वगैरह रेडी करने में बहुत सारे ही बर्तन गंदे हो गए थे। तो मैं यहाँ पर बर्तन को क्लीन करूंगी और फिर जाऊंगी ऊपर रूम में दीदी के पास, क्योंकि दीदी ऊपर रूम में ही हैं। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो चुका है दीदी के घर जाने का टाइम। तो यहाँ पर हमारी छोटी बाबू की ड्रेस भी चेंज हो चुकी है, क्योंकि गर्मी है तो बच्चों को थोड़ा गर्मी ज्यादा ही लगती है। और ध्रुव भी सो चुका है, क्योंकि अगर ध्रुव जागा हुआ होता और उसकी छोटी बाबू घर जाती तो ध्रुव बहुत ज्यादा ही रोता। तो यहाँ पर मैंने ध्रुव को सुला दिया था और फिर दीदी गई थी घर। तो यहाँ पर दीदी घर जाने लगी हैं। गाइज आप लोगों को आज का हमारा ये व्लॉग कैसा लगा है आप लोग प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, जिससे कि जो भी मेरे नए नए व्लॉग्स आए उन व्लॉग्स की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए गाइज आज का मेरा व्लॉग हो जाएगा यहीं पर एंड, अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।